राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी। यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। Hare
जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद पिताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौरा हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर सत His Divine Grace अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय श्री श्री गौरविंदाय की जय श्री तिरुवनंतपुरम धाम की जय श्री अनंत पद्मनाभ स्वामी की जय इस्कॉन त्रिवेंद्रम यात्रा की जय निधाय गौर प्रेमानंदे समवेद भक्त वृंद की जय समवेद भक्त वृंद की जय समवेद भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय हरे कृष्णा ट्रांसलेशन इज हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन Keshav Kishore, who is here? No, he's there. He's doing it. Translation is going on outside. So anybody wants to have English translation, please be outside. English translation is going on. Any need for translation from Hindi to Malayalam? Jagat Sakshi Prabhu? Any need for Hindi to Malayalam? Telugu. No. ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाभिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी
पाश्चात्य देश तारिणे मुखम करोति वाचा अंगुम लंकायते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारणं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरविषये नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधो वर्गेणया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमा पुनर्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्तादरत्नपरः हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। अभी हम यहाँ अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम शाखा में बैठे हैं। ये सुंदर कृष्ण बलराम मंदिर, मुझे पता नहीं था यहाँ कृष्ण बलराम के विग्रह हैं, तो बहुत ही सुंदर कृष्ण बलराम विग्रह हैं। साथ साथ श्री श्री गौड़ निताय भी हैं, और तीसरे में कोई और लाना चाहे। राधा श्याम सुंदर, तो वृंदावन दक्षिण वृंदावन, क्योंकि वृंदावन मंदिर में भी ऐसे ही है, बीच में कृष्ण बलराम दाहिने ओर राधा श्याम सुंदर, बाएं ओर गौड़ निताय। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि वृंदावन तो अपने आप में एक भौगोलिक स्थान तो है ही, और जैसे ही हम वृंदावन के परिसर में प्रवेश करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे चित्त पर हम अनुभव कर सकते हैं। हमें पता चलता है कि हम किसी आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। फिर भी श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि वृंदावन केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं है, ये एक भौतिक दृष्टि होगी जहाँ पर भक्त लोग भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर रहे हों, जहाँ पे भगवान के नामों का श्रवण कीर्तन आदि चल रहा हो, जहाँ भगवान के अर्चक विग्रहों की सेवा हो रही हो, वो भी वृंदावन से अभिन्न है। तो यहाँ यद्यपि हम दक्षिण भारत के कोने में पहुँचे हैं, फिर भी हम वृंदावन में हैं, क्योंकि यहाँ कृष्ण बलराम हैं और यहाँ श्रील प्रभुपाद भी हैं और सारे प्रेमी भक्त भी बैठे हैं। तो वृंदावन धाम श्रील प्रभुपाद कहते हैं ये एक
चेतना की अवस्था भी है। यदि दुनिया की किसी भी कोने में रह के हमारे अंदर वृंदावन का भाव है तो हम वृंदावन में हैं। कल महाराज कुलशेखर की लीला का वर्णन जब हो रहा था तो मैं ये बता रहा था कि कैसे बद्ध जीवों को जागृत अवस्था की दुनिया और कृष्ण कथा या राम कथा की दुनिया, इन दोनों में स्पष्ट भेद दिखाई पड़ता है। भले हम बैठकर कथा क्यों ना सुन रहे हो, परंतु हमें ये ज्ञात रहता है कि मैं कौन हूँ, हम कहाँ बैठे हैं, मुझे क्या करना है, ये चेतना रहती है। परंतु महाराज कुलशेखर इतने ऊंचे स्तर पे थे भक्ति के कि उनके लिए इन दो दुनियाओं में कोई अंतर नहीं था, उनके लिए दोनों ही दुनिया एक हो गई। इसलिए वो अपनी सेना लेकर यहाँ वहाँ जाते थे श्री राम की सेवा करने के लिए। तो दूसरे शब्दों में हमारी चेतना ही सर्वस्व है। चेतना को यदि हमने संभाल लिया तो टोक्यो में हो, अमेरिका में हो, अफ्रीका में हो या तिरुवनंतपुरम में हो, हम वृंदावन में स्थित हैं। बाद में मैं निवेदन करूंगा जगत साक्षी प्रभु से इस प्रवचन के बाद कि वो यहाँ के तिरुवनंतपुरम की इस्कॉन यात्रा के बारे में, इस मंदिर के बारे में कुछ बताए, किस प्रकार से कार्य चल रहे हैं। तो हमारे लिए भी सब ये बहुत प्रेरणा स्रोत है। अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ का भाग होने के कारण बिना जान पहचान के भी दुनिया के किसी भी कोने में लोगों से हमारा संबंध जुड़ जाता है और ये अनेक भक्तों का अनुभव है। हम जहाँ भी जाएं, यूरोप में जाएं, अमेरिका में जाएं, जब हरे कृष्ण भक्त को देखते हैं तो तुरंत संबंध स्थापित हो जाता है। हृदय खोल के हम बात कर सकते हैं, हमें ऐसे नहीं लगता है कि अरे इनको हम जानते नहीं हैं। तो यहाँ पर भी जिस प्रकार से जगत साक्षी प्रभु और उनके भक्तों ने इस यात्रा में आए हुए हम सारे भक्तों की सेवा की है, हमें ऐसे नहीं लगता है कि हमने पहले इनको भी देखा नहीं है, हम तो मिले नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ भाग होने में ये शामिल होने का ये एक लाभ अवश्य है, अनेक लाभ है कि दुनिया बहुत छोटी है, क्योंकि जहाँ भी हम जाते हैं हम कृष्ण भावनामृत के स्तर पे अन्य भक्तों के साथ संबंध स्थापित तुरंत कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये पता होता है कि ये व्यक्ति कौन है, इनकी चेतना क्या है, इनके उसूल क्या है, ये जीवन में क्या चाहते हैं, कृष्ण भक्ति चाहते हैं। बाहर की दुनिया के लोगों को आप किसी को मिलते हो, पहले तो काफ़ी समय लगता है पहचानने के लिए किस तरह का आदमी है, ये नास्तिक है, आस्तिक है, कैसा है। तो जैसे कृष्ण भक्तों को, इस्कॉन भक्तों को मिलते हैं तो तुरंत बस हम बहुत ही आराम, हृदय में आराम होता कि हाँ ये हमारे भक्त हैं। शायद आप सबने भी ऐसे अनुभव किया होगा। और इसके बाद में जब प्रवचन हो जाएगा तो मैं श्रीमान शमिक ऋषि प्रभु से भी निवेदन करूंगा कि वो कुछ हमें कुछ प्रेरणा स्रोत वचन बताएं। बहुत अनुभवी भक्त हैं, श्रील प्रभुपाद जी के समय से हम दीक्षा ली, बहुत साल हो गए। हमारा सौभाग्य है कि हम उनका संग अनेक वर्षों से पा रहे हैं। अमेरिका न्यू जर्सी में उनके घर में भी गए थे, कार्यक्रम भी हुए थे, बहुत अच्छा प्रचार वहाँ पे कर रहे थे। टोबैको और न्यू जर्सी वगैरह में बहुत जिम्मेदारियाँ भी उन्होंने ली हैं। अभी मध्य प्रदेश में
खरगोन नाम के जगह में उन्होंने अब एक मंदिर खोला हुआ है और वहाँ पे प्रचार कर रहे हैं, तो उनके अनुभव का लाभ भी हम थोड़े समय के बाद लेंगे। आशा करता हूँ कि आप सबने अच्छी तरह से प्रसाद लिया होगा। इसमें दो मत हैं भजन और भोजन के संबंध में। कोई कहते हैं भरे पेट भजन ना होए गोपाला, कोई कहते हैं कि भरे हुए पेट पे भजन करने बैठे हैं तो नहीं होगा, क्यों, नींद आती है। परंतु अनेक लोगों का कहना ऐसे है कि खाली पेट बैठेंगे तो भी ठीक नहीं है, क्योंकि याद रहती है कि अरे प्रसाद लेना प्रसाद लेना, कब प्रवचन समाप्त करेंगे ये। तो खैर जो भी हो, अभी हम सब ने प्रसाद लिया है, अभी बिल्कुल अच्छी चेतना से जागृत अवस्था में हम कथा में शामिल होंगे। आज दोपहर को प्रसाद के बाद हम जाएंगे श्री जनार्दन स्वामी के मंदिर में। यहाँ से लगभग दो घंटों का रास्ता है वरकला नाम के स्थान में। बहुत प्राचीन मंदिर है, ऐसे कहा जाता है कि 2000 वर्षों से अधिक इस मंदिर का इतिहास है और बिल्कुल समुद्र के तट पे है। वहाँ समुद्र के तट पे अनेक औषधियाँ वनस्पति आदि उगते हैं, इसलिए वहाँ का जल भी बहुत ही औषधि गुणों से युक्त है, ऐसे कहा जाता है। Am I right? Medicinal water of the sea. The place is called Papanashan. तो वहाँ जाके उस स्थान को पापनाशनी भी कहते हैं। तो हरे कृष्ण, तो ये भी बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त यहाँ पर आते हैं। कभी कभी इसे दक्षिण काशी कहते हैं तो कभी कभी दक्षिण गया भी कहते हैं। और कई लोगों की मान्यता ऐसी है कि पितरों की पूजा यदि यहाँ पर की जाए तो हमारे पितर जो हैं वो प्रसन्न हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर अनेक लोग आके श्राद्ध आदि करते हैं और इसलिए स्थान को पितृमोक्षणम भी कहा गया है। वैसे वरकला इसके प्राचीन नाम भी हैं, जनार्दनपुरम एक नाम है, उदय मार्तंडपुरम और बलित। मार्तंड नाम आपको याद होगा कल परसों से, मार्तंड वर्मा ये राजा रहे इस स्थान के। मार्तंड शब्द का अर्थ क्या है, संस्कृत शब्द है सूर्य, सूर्य के अनेक शब्द है ना, दिवाकर भास्कर इत्यादि, तो मार्तंड भी एक नाम है। तो उदय मार्तंडपुरम, तो श्रीमद् भागवतम में ऐसे बताया गया है कि बलराम जी जब यहाँ पर आए थे फाल्गुनी तीर्थ में तो वो भी वरकला गए थे। आज जिस स्थान को वरकला कहा जाता है वो उस स्थान में गए थे, वहाँ पर भी उन्होंने भगवान जनार्दन का दर्शन किया था। साथ साथ में श्री चैतन्य महाप्रभु भी यहाँ पर आए थे। परसों आपको याद होगा हम चैतन्य चरितामृत से बता रहे थे, दिन दुई पद्मनाभ कोइल दर्शन आनंदे देखिते आइल श्री जनार्दन। दो दिन लगभग श्री चैतन्य महाप्रभु तिरुवनंतपुर में रहे, अनंत पद्मनाभ स्वामी का दर्शन किया और फिर बड़े आनंद से आनंदे देखिते आइल श्री जनार्दन, फिर श्री जनार्दन का दर्शन करने के लिए बड़े आनंद से वो वरकला आए। तो इस तरह से जनार्दन स्वामी मंदिर का इतिहास भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु गए हैं
वहां पर हमें जाना चाहिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण है और उनके हाँ नहीं आ रहा, आप नहीं सुनाई सुन तो कैसे करें। सृष्टि भी प्रारंभ हुई थी ध्वनि से, ध्वनि बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ जब हम केरला में आए हैं, हमने अनेक मंदिरों को देखा है और मंदिर के अतिरिक्त अन्य जो मकान हैं उनको भी देखा है। तो आपने देखा होगा कि यहाँ की जो वास्तुकला है, आर्किटेक्चर, ये विशेष है। अन्य स्थानों में इस तरह की वास्तुकला नहीं दिखाई पड़ती, मंदिरों में भी अधिक। अन्य स्थानों में गोपुरम आदि बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे होते हैं, यहाँ पर भी हैं, जैसे अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर में है, परंतु मूल मंदिर जो है उसकी वास्तुकला विशेष है। एक ही तरह की चीज़ें आप पाएंगे सारे केरला में, और आदिकेश्वर मंदिर में जाएंगे वहाँ भी, यद्यपि ये अब तमिलनाडु में है, फिर भी उसी प्रकार की वास्तुकला दिखाई पड़ेगी। तो ये जनार्दन भगवान का मंदिर वारकना में, इसकी वास्तुकला भी बहुत ही सुंदर है। जो गर्भगृह है वो गोलाकार में है और इसके ऊपर तांबे के पत्रे लगे हुए हैं, यहाँ इस भाग में ऐसे भी बहुत दिखाई पड़ता है। मंडप है बहुत सुंदर, वहाँ पर चतुर्भुज जनार्दन भगवान विराजमान हैं और इनके अलग अलग रूप होते हैं, कभी जनार्दन, कभी नरसिंह, कभी वेणुगोपाल, तो कभी मोहिनी अवतार के रूप में भी उनको सजाया जाता है और अक्सर फूलों से सजाए जाते हैं, इसके बहुत जोर देते हैं। जन्माष्टमी को बहुत ज़ोरों से मनाते हैं। मुझे थोड़े दिन पहले पता चला कि केरला में जन्माष्टमी को रोहिणी अष्टमी कहते हैं। जब मैं किसी दूसरे स्थान में था तो एक मंदिर में पास में गया तो वहाँ एक कुछ था मलयालम भाषा में, तो किसी से पूछा, उन्होंने कहा ये रोहिणी अष्टमी है। मैंने कहा जन्माष्टमी, हाँ हाँ, तो यहाँ रोहिणी अष्टमी, तो पहले तो मुझे पता नहीं चला। मैंने सोचा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि रोहिणी तो बलराम की माता है, तो जन्माष्टमी के समय रोहिणी अष्टमी क्यों कहते हैं। परंतु एक आधे मिनट के बाद मुझे फिर पता चला, मन में सोचा मैंने, नहीं नहीं ये इसलिए होगा क्योंकि ये रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव, जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो उस समय चंद्र रोहिणी नक्षत्र में था, सूर्योदय के समय, तो इसलिए रोहिणी नक्षत्र के समय श्री कृष्ण का जन्म हुआ और तिथि अष्टमी तिथि थी, इसलिए इसे इस उत्सव को यहाँ केरला में रोहिणी अष्टमी कहते हैं या अष्टमी रोहिणी ऐसे कहते हैं केरला में, शायद और कहीं दूसरी जगह ऐसे नहीं पाया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि दो बहुत बड़े घंटी हैं उस मंदिर में, और इसके पीछे इतिहास ऐसे बताया जाता है कि यूरोप से, हॉलैंड देश से एक नौका, एक जहाज़ आई, और वो जहाज़ जो है वो समुद्र के जल में कहीं तो अटक गया, और जब अटक गया तो उनके प्रार्थना के बाद भी वो नौका वहाँ से हटा नहीं, तो फिर क्या किया जाए। तो वहाँ के जो अध्यक्ष थे, कप्तान थे, वो ज़मीन पर आए और लोगों ने कहा कि आप ऐसे कीजिए, यदि आपके नौके को आप मुक्त करना चाहते हैं
यहाँ बालू में अटक गई होगी, तो आप यहाँ वर्कला में जनार्दन मंदिर के लिए आप 2 घंटियाँ लगा दीजिए। तो फिर उनके साथी भी एक थे, तो 2 घंटियों को लेकर आए, और फिर वहाँ लगाने के बाद जैसे ही 2 घंटियाँ ये अर्पण की विग्रह को, तो फिर तुरंत वहाँ से वो नौका जो है वो हिलने लगा, मुक्त हो गया। आज भी उन 2 नौकों के ऊपर उन 2 लोगों के, यूरोपीय लोगों के नाम लिखे हैं कि इनके नाम में ये 2 घंटियाँ भगवान को या भगवान के मंदिर को अर्पण किए थे। तो इसका इतिहास इस प्रकार से है, बहुत प्राचीन इतिहास। एक बार इसी स्थान में अर्थात वर्कला में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी एक बहुत बड़ा याग या यज्ञ करने के लिए आए, और यज्ञ में इतने डूब गए कि भूल गए कि पीछे उनकी सेवा है। उनकी सेवा क्या होती है? सृष्टि, सृष्टि को संभालना होता है। सृष्टि का कार्य, सृजन का कार्य ब्रह्मा जी का होता है। अब ब्रह्मा जी उस कार्य को छोड़कर यहाँ याग करने के लिए आए, और वहाँ वो सृष्टि के सृजन का कार्य अधूरा रह गया। तो वहाँ चिंता होने लगी भगवान को। तो भगवान विष्णु ने सोचा कि ये क्या हो गया, ये ब्रह्मा जी तो मेरे प्रतिनिधि हैं सृष्टि के सृजन के कार्य के लिए, और ये तो अभी यज्ञ करने में मग्न हो गए, तो वहाँ सृष्टि का सृजन कौन करेगा? तो वेश बदल कर भगवान विष्णु यहाँ पर आए। एक वृद्ध व्यक्ति का रूप उन्होंने स्वीकार किया। जैसे वहाँ पर आए ब्रह्मा जी को याद दिलाने के लिए कि आपको सृष्टि के सृजन के कार्य में लौट के जाना चाहिए, तो जो ब्राह्मण ब्रह्मा जी के साथ थे उन्होंने इस वृद्ध व्यक्ति को देखा, उनका स्वागत किया, अतिथि हैं केवल, और उनको भोजन अर्पण किया। परंतु जितना भी भोजन उनको क्यों न दें, उनकी भूख मिटी नहीं। हालांकि वो वृद्ध व्यक्ति थे, परंतु खाए जा रहे थे, खाए जा रहे थे, खाए जा रहे थे, और पेट भर ही नहीं रहा था उनका। तो ब्राह्मण जो है वो थोड़े चिंतित हो गए कि क्या किया जाए। तो फिर वो ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने कहा कि देखो ये कोई वृद्ध व्यक्ति आए हैं, अतिथि हैं, हमने उनको प्रसाद दिया है, लेकिन हम देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, ये खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। तो तुरंत ब्रह्मा जी को पता चला कि ये विष्णु हैं। तो वहाँ पर आए जल्दी से, और फिर भगवान विष्णु के सामने उन्होंने प्रणाम किया, और उन्होंने देखा कि वहाँ जगत साक्षी प्रभु, व्हाट इज दिस आप भोजनम? अनिसीड, अनइजीनेस। अच्छा, नहीं, इट इज सेड समथिंग टू ईट, समथिंग टू ईट। आप भोजनम, जैसे हियर आप भोजनम। तो उन्होंने देखा कि वहां पर ये भगवान विष्णु जो है वो थोड़े अतृप्त थे। तो भगवान विष्णु के सामने आए, और ब्रह्मा जी ने उनको और खाने से मना कर दिया, और कहा कि यदि आपने आगे और ये कुछ खाया तो यहाँ पृथ्वी लोक के ऊपर एक भीषण प्रलय होगा, तो कृपया इसको खाइए मत। तो फिर भगवान विष्णु जो कि उस वृद्ध व्यक्ति के रूप में आए थे, तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी, आपने मुझे सही पहचाना, मैं विष्णु ही हूँ। मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ कि आपको मैं याद दिलाऊं कि आपकी सेवा पीछे अधूरी रह गई है, सृष्टि का सृजन करना है आपको, तो अब ये याग समाप्त कीजिए इसको, और आप यहाँ पे आ जाइए वापस ब्रह्मलोक में।
और इसके बाद उन्होंने विश्व रूप अपना दिखाया ब्रह्मा जी को। तो ऐसे ये एक प्राचीन इतिहास है। तो बाद में ये बताया जाता है कि यहाँ पर कैसे नारद मुनि के द्वारा और देवताओं के द्वारा यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण हुआ। हुआ ये कि एक बार नारद जी आकाश पथ से चलते हुए जा रहे थे, और हम सब जानते हैं कि नारद मुनि जब चलते हैं तो अपनी वीणा बजाते हैं और भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं। तो भगवान नारायण आकर्षित हो गए उनके वीणा वदन से और उनके नाम संकीर्तन से, और वो भी आकाश पथ में नारद मुनि के पीछे पीछे आने लगे। उधर ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने जब देखा कि भगवान विष्णु वहाँ पर हैं, तुरंत उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। जैसे ही भगवान विष्णु वहाँ पर आए, ब्रह्मा जी वहाँ पर आए, विष्णु अदृश्य हो गए, वो चले गए, और केवल वहाँ पर नारद मुनि खड़े थे। पास में 9 प्रजापति खड़े हुए थे। उन्होंने भगवान विष्णु को नहीं देखा, उन्होंने यही देखा कि ब्रह्मा जी अपने पुत्र को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, जो कि साधारण सा ऐसे नहीं किया जाता है। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और वो हंसने लगे। तो फिर ब्रह्मा जी ने बताया उनको कि वास्तव में आपकी गलतफहमी हुई है, मैंने प्रणाम नारद को नहीं किया था जो मेरा पुत्र है, मैंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया था, और भगवान विष्णु अदृश्य हो गए, वो चले गए। तो फिर ब्रह्मा जी ने ये बताने के बाद 9 प्रजापति जो हैं उनको बहुत बुरा लगा कि हमने ब्रह्मा जी के प्रति एक अपराध किया। तो पछतावा हुआ उनको, और वो सोचने लगे कि प्रायश्चित कैसे किया जाए। जब हम कोई गलत काम करते हैं तो प्रायश्चित करना आवश्यक होता है। तो फिर उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा, फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, प्रायश्चित आप अवश्य कर लो, परंतु जिस स्थान में आपके लिए प्रायश्चित करना उचित रहेगा उस स्थान को नारद मुनि आपको बताएंगे। तो जिस स्थान में नारद मुनि कहेंगे उसी स्थान में जाके आप प्रायश्चित करना। तो वो चले गए नारद जी के पास। तो नारद मुनि तो ऋषि हैं, उन्होंने तो कोई खादी के कपड़े वगैरह तो नहीं पहने थे। उस समय जो वन में रहने वाले ऋषि मुनि होते थे उनके वस्त्र किसके बने हुए होते हैं, होते थे मृग के छाल, उसको वल्कल कहते हैं संस्कृत में, वल्कल। तो मृग के छाल आपने चित्र ऐसे देखे होंगे अनेक पुराने ऋषियों के, या मृग के छाल के ऊपर बैठते हैं, कभी वो पहनते हैं, जैसे सन्यासी लोग उतरिया पहनते हैं वैसे वो मृग की छाल भी पहनते हैं, परंतु शिकार करके नहीं, जो पहले से मृत हैं उनके छाल को लेकर। तो नारद मुनि ने उनका जो वल्कल है, ऊपर का वस्त्र है, वो ऐसे उन्होंने आसमान में ऐसे फेंक दिया, और वो वल्कल जो है वो आके सीधे इसी स्थान में गिर पड़ा, जिस स्थान को आज बरकला कहते हैं। तो वल्कल से अपभ्रंश हो गया और ये स्थान वर्कला हो गया। और नारद जी ने उनसे कहा कि वहां जाके आप तपस्या कीजिए, प्रायश्चित कीजिए। प्रजापतियों ने कहा कि हमें एक कोई कुंड चाहिए, क्योंकि हमें बार बार स्नान करना होगा, तो कोई कुंड की व्यवस्था कृपा करके कीजिए। तो नारद जी ने कहा ये तो भगवान विष्णु ही कर पाएंगे। तो भगवान विष्णु को निवेदन करने पर भगवान विष्णु ने अपने चक्र के द्वारा एक कुंड की स्थापना वहां पर की, और फिर उधर रहे 9 प्रजापति
वहाँ तपस्या करते रहे काफी समय तक और अपने अपराध से मुक्त हो गए। तो ऐसे बताया जाता है कि इसी स्थान में बाद में देवलोक के निवासी देवतागण उन्होंने एक मंदिर की स्थापना की। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि ये मंदिर कितना प्राचीन है। तो ऐसे काफी समय से ये मंदिर रहा, परंतु हम जानते हैं इस भौतिक सृष्टि में हर चीज का घटन होता है। कोई इमारत है वो हमेशा के लिए नहीं रहती है, भले वो पत्थर से भी क्यों ना बना हो, ले परंतु ठीक है 1000 साल 5000 साल कितना रहेगा। तो ये इसका घटन होने लगा और खंडहर जैसे हो गया। और वहाँ पर कलयुग में पंड्य राजा, पंड्य वंश के एक राजा वहाँ पर आए। आपको याद होगा राजा कुलशेखर के संबंध में जब हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड दे रहे थे तो हमने विशेष करके 3 राजवंशों का उल्लेख किया था। कौन से हैं ये 3 राजवंश? पंड्य, चोल, चेर, और भी थे जैसे पल्लव, आय इत्यादि, परंतु ये 3 प्रमुख थे। मैंने एक जगह पढ़ा कि हरिवंश में इन 3 वंशों का उल्लेख है। हरिवंश आप जानते हैं, हरिवंश को पुराण का दर्जा दिया गया है। ये हरिवंश महाभारत का खिल भाग है, खिल भाग अर्थात शेष भाग, अपेंडिक्स जो अंग्रेजी में कहते हैं। तो ये भी एक प्रामाणिक ग्रंथ है। तो मैंने हरिवंश में ये नहीं पढ़ा, परंतु कहीं पढ़ा कि हरिवंश में इन 3 वंशों का उल्लेख है कि सूर्यवंश और चंद्रवंश के क्षत्रिय जो हैं सब जगह मिट जाएंगे, परंतु ये 3 वंशों में दक्षिण भारत में रहेंगे, चोल, चेर और पंड्या। तो खैर, और विशेष करके जो चेर राजवंश से महाराज कुलशेखर आए, दूसरा चेर राज्य जो है वो प्रारंभ हुआ महाराज कुलशेखर से। तो खैर, जब ये पांड्य राज वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा इस स्थान को, तो वो वहाँ पर क्यों आए? इस राजा को कुष्ठ रोग हो गया था और कोई उपाय नहीं मिल रहा था। अनेक वैद्य थे उनके साथ में, परंतु वो कोई उपाय ढूंढ नहीं पाए। तो राजा बहुत ही परेशान था, तो इधर उधर वो भटक रहे थे कि कहाँ कुछ उपाय मिले। और ऐसे घूमते घूमते भ्रमण करते करते वो यहाँ पर आए। वास्तव में कुष्ठ रोग नहीं, उनके ऊपर कोई भूत सवार हो गया था। तो भूत सवार होना ये भी ऐसे होता है। तो रामानुजाचार्य ने भी ऐसे एक राजकुमारी के अंदर जो भूत सवार हो गया था उस भूत को निकाल दिया था। ऐसे बहुत सारी कथाएं हैं। और मेरा मानना तो ऐसे है कि आजकल बहुत सारे लोगों को मानसिक समस्याएं हैं, लोगों का मन शांत नहीं है, तरह तरह के मानसिक रोग बढ़ते जा रहे हैं। शारीरिक रोग तो बढ़ते ही जा रहे हैं, साथ साथ मानसिक रोग बहुत बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि लोग अधिकतर तमोगुण में रहते हैं। तो जब तमोगुण में रहते हैं तो इसके कार्मिक परिणाम तो ऐसे होते हैं। साथ साथ जब व्यक्ति तामसिक होता है तो कभी कभी ऐसे भूत प्रेत पिशाच भी उसके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। कभी कभी ऐसे तामसिक न होने पर भी कोई और विशेष कोई इतिहास हुआ होगा जिसके कारण भूत किसी के शरीर में प्रवेश करते हैं। डरने की बात नहीं है, जहाँ भक्त है वहाँ कोई भय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है अभय चरणारविंद। तो जब भक्त लोग भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं तो उन्हें किसी भी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है। एक बार लंदन में एक वृद्ध महिला श्रील प्रभुपाद के पास आई
और उन्होंने कहा कि मेरे घर में एक भूत है या कई भूत हैं और अब बहुत परेशान करते हैं, उत्पात कर रहे हैं मेरे घर में, तो आप कुछ कर सकते हैं क्या? तो श्रील प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों से कहा कि वहाँ जाना, सारे घर में प्रति कमरे में जाके वहाँ नाम संकीर्तन करना। तो वो सारे भक्त वहाँ पर गए, प्रत्येक कमरे में जाके लंबे समय तक कीर्तन किया, एक एक कमरे में जाके, और जब बाहर निकले तो फिर वो भूत जितने भी थे, एक थे या अधिक थे, वो सब निकल गए, क्योंकि भूतों को ये हरिनाम संकीर्तन सहन नहीं होता है। तो खैर, ये पंड्य राज जो थे उनके ऊपर भी एक भूत सवार हो गया था। वैसे गोपियों के ऊपर भी कुछ सवार हो गया था, आपको पता है ना, क्योंकि उनका जो व्यवहार था वृंदावन में बहुत विचित्र हुआ करता था। कभी कुछ करती हैं, कभी कुछ कहती हैं। जब श्री कृष्ण के बांसुरी वादन को सुनने के लिए सब कुछ घर में छोड़कर चली गई, नीचे के कपड़े ऊपर, ऊपर के कपड़े नीचे, कुछ करके ऐसे चले गए, ऐसे विचित्र व्यवहार उनका चल रहा था। तो थोड़े वरिष्ठ वैष्णव गोपियाँ थी, उन्होंने बात की कि अरे लगता है कि इन तरुण गोपियों के ऊपर कोई भूत सवार हो गया है। तो वहाँ पर पौर्णमासी थी, बहुत बुद्धिमान गोपी थी, वरिष्ठ गोपी, उन्होंने कहा भूत नहीं, नंद का पूत सवार हो गया है। तो इस तरह से हम पागल हो जाएं तो बहुत अच्छा है, साधारण भूतों से हमें कुछ लेना, कोई लेना देना नहीं है। तो खैर, ये बेचारे पांड्य राज बहुत तड़प रहे थे, और जब वो वर्कला आए, खंडहार देखे उन्होंने इस मंदिर के, तो उन्होंने जाके वहाँ प्रार्थना की कि यदि आपकी कृपा से मेरा ये रोग ठीक हो जाए, मैं ये भूत प्रेत आदि से मुक्त हो जाऊँ, तो मैं यहाँ पर एक नया मंदिर बनाऊँगा। तो उसके बाद वहाँ से वो चले गए। रात में एक स्वप्न आया उनको, और स्वप्न में उनको ये आदेश मिला कि ठीक इस स्थान पर समुद्र में के तट पे जाओ, वहाँ जल में आपको ढेर सारे पुष्प मिलेंगे, जल में, तो उन पुष्पों को ले आओ, उसके अंदर आपको विग्रह मिलेगा, उस विग्रह की स्थापना इस मंदिर में करना और मंदिर का निर्माण वहाँ पर करना। तो जब वो पांड्य राज वहाँ पर गए, तो जैसे उनको बताया गया था वैसे ही उन्होंने पुष्प की गुच्छ को देखा वहाँ पर, और अंदर एक विग्रह थी भगवान की। और स्वप्न में उनको ये भी बताया गया था कि एक हाथ में उनको सोने का हाथ लगाना है। तो फिर उन्होंने सोने का हाथ भी लगा दिया, और आज जो जनार्दन की मूर्ति है, श्री विग्रह है वारकला जनार्दन मंदिर में, वो वही मूर्ति है जो कि इस पांड्य राज ने स्थापना की थी, जो कि इस राजा को समुद्र में प्राप्त हुई थी। और ऐसे बताया जाता है कि उन्होंने न केवल मंदिर, सुंदर मंदिर का निर्माण किया, परंतु इसके देखभाल के लिए भी उन्होंने व्यवस्था की। क्योंकि देखिए, मंदिर का निर्माण तो हो सकता है, काफ़ी कठिनाई होती है, सब जगह से धनार्जन करना और सब जगह से दान आदि प्राप्त करके खर्चा काफ़ी होता है, तो बड़ी रकम की आवश्यकता होती है। परंतु चलो, भक्त लोग परिश्रम करते हैं, थोड़े दानी स्वभाव के लोग भी रहते हैं, वो आके दान देते हैं, मंदिर का निर्माण चलो हो भी जाता है। परंतु चुनौती वास्तव में ये है कि बाद में मंदिर को चलाना है, और प्रति महीने जो मंदिर के खर्चे होते हैं उनको ठीक से निकालना है। तो ये बड़ी चुनौती हर एक मंदिर में होती है, और जो भी मंदिर को संभालने वाले भक्त होते हैं उनके जीवन में ये एक सदैव चिंता होती है कि मंदिर आगे चल के ये चलेगा कैसे।
तो कोई ना कोई व्यवस्था उनको करनी पड़ती है। प्राचीन काल में क्या हुआ करता था कि राजकीय आश्रय मिलता था मंदिरों को, तो राजा हर एक मंदिर को जमीन दान दिया करते थे, जिससे जो उत्पादन हो उस जमीन का, उससे न केवल भगवान के लिए या भगवान के सेवक जो है उनके लिए पर्याप्त व्यवस्था हो जाती, परंतु और जितने भी खर्चे होते, उत्सव आदि होते, उन सब के लिए वो व्यवस्था हो जाती थी। तो यह पंड्यराज ने भी ऐसी व्यवस्था कर ली इस मंदिर के लिए आगे चल के, और उन्होंने नियम भी बनाए कि कैसे व्यवस्थापन होना चाहिए मंदिर का। और उनके दाहिने हाथ में ये आभोजन है, मुझे पता नहीं अभी तक ये आभोजन क्या है, शायद वहाँ जाके वो पुजारी हमें शायद बता पाएंगे। और उनके दाहिने हाथ में है, और ऐसे लोग मानते हैं कि धीरे धीरे से जनार्दन भगवान के जो दाहिने हाथ, जिनका दाहिना हाथ है, वो धीरे धीरे से ऊपर आ रहा है। आपने में से कई भक्तों ने देखा होगा अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर में, वहाँ पे दो मूर्तियाँ हैं, एक भगवान वेणुगोपाल की मूर्ति है, पत्थर के खंभे में है, और वो बड़े होते जा रहे हैं, सामने आते जा रहे हैं। आप में से कितने भक्तों ने देखा? वो कई भक्त थे उस समय, वेणुगोपाल की मूर्ति और आगे बढ़ रहे हैं, और वहाँ जय विजय भी हैं, या तो जय या विजय दोनों में से एक के जो चरण कमल हैं वो भी बढ़ रहे हैं, ऐसे यहाँ के लोग कहते हैं। तो कभी कभी ऐसे प्राचीन मंदिरों में ऐसे होता है। तो यहाँ ऐसे बताया जाता है कि जब जनार्दन भगवान का दाहिना हाथ ऊपर होते 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 उनके मुंह तक पहुँचेगा, तब पृथ्वी में भयंकर प्रलय होगा और सारी पृथ्वी डूब जाएगी। आप में से कितने भक्त बद्रीनाथ गए हैं? तो बद्रीनाथ जाते समय जोशी मठ आप गए होंगे। जोशी मठ में बहुत प्रसिद्ध किनका मंदिर है? नरसिंह देव का मंदिर है। तो वहाँ नरसिंह देव भगवान की मूर्ति विशेष है, वह ऐसे अपने हाथ पे आराम कर रहे हैं। साधारणतः नरसिंह देव या तो आधे खड़े हुए होते हैं या तो किसी आसन पे विराजमान होते हैं, परंतु यहाँ पे उन्होंने अपने हाथ का ऐसे आसहारा लिया है, और जो हाथ, ये मूर्ति पत्थर की है, तो उनका जो हाथ है बहुत पतला है, बहुत ही पतला। और ऐसे बताया जा रहा है कि जाता है, वहाँ के लोग ऐसे बताते हैं कि अनेक सदियों से ये हाथ पतला होते जा रहा है, पहले इतना पतला नहीं था, अब पतला होते जा रहा है, और एक समय ऐसे आएगा जब पतला होते 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 ये बाल के समान पतला हो जाएगा, और फिर वो टूट जाएगा, और जैसे ही वो टूट जाएगा तो आगे बद्रीनाथ को जाने के लिए जो रास्ता है वो बंद हो जाएगा, तो पहाड़ वो गिर पड़ेंगे। आजकल भी वहाँ पे उस इलाके में कितनी समस्याएं हो रही हैं, है ना, बहुत प्राकृतिक दुर्घटनाएं एक के बाद एक हो रही हैं पिछले 8-10 सालों में। हम सब लोग, जैसे आज इस बार हम लोग केरला की यात्रा में आए हैं, सो सन 2012 में हम लोग बेलगाम की यात्रा बद्रीनाथ लेकर गए थे, और गंगोत्री यमुनोत्री, तो हम लोग गए थे अक्टूबर 2012 में, और उसके केवल 6 महीने बाद वहाँ एक भीषण दुर्घटना हो गई जिसमें बहुत नुकसान हुआ वहाँ पर। तो उस समय से 2013 से अब 10 साल हो गए, एक के बाद एक कोई ना कोई दुर्घटनाएं उस प्रांत में हो रही हैं, और इसके पीछे मनुष्यों का हाथ भी है। हम आए दिन ऐसे निर्माण कार्य करते जा रहे हैं जहाँ पे करना नहीं चाहिए, ऐसे स्थानों पे भी हम इमारतें, घर आदि सब बना रहे हैं, और वहाँ की मिट्टी इतनी ठीक नहीं है, इतनी मजबूत नहीं है कि वो
इमारतों को आदि वो सुरक्षित रख सके। साथ साथ लोगों ने सारे पेड़ काट दिए हैं। जब पेड़ कट जाते हैं तो फिर मिट्टी को बांध के रखने के लिए कोई और उपाय नहीं है। मिट्टी खुली होती है, जब बारिश होता है तो मिट्टी बह कर चली जाती है। तो ऐसे बहुत सी समस्याएं हो रही हैं। तो ऐसे भविष्यवाणी है, परंतु इसके पीछे हम ये इनकार नहीं कर सकते कि मनुष्यों का हाथ भी है, क्योंकि हम लोगों ने भी बहुत वहाँ गलत काम किए हैं। तो खैर, यहाँ पर ऐसे बताया जाता है कि जब ये हाथ ऊपर होते होते भगवान के मुखारविंद तक आएगा और भगवान इसको चख लेंगे, तो फिर ऐसा विषय प्रलय हो जाएगा। ऐसे कहते हैं कि इसके लिए कलयुग का अंत, कलयुग के अंत तक होगा ये। दूसरे शब्दों में अभी 4 लाख साल बाकी है, फिर भी होगा उस समय। तो यहाँ पर भी जन्माष्टमी, जैसे मैंने कहा अष्टमी रोहिणी कहते हैं, रामनवमी, नरसिंह जयंती इत्यादि यहाँ मनाते हैं। और मीनम, यहाँ का जो केरल में मीनम मास है, मार्च अप्रैल में होता है, तो उस समय यहाँ 10 दिन का उत्सव होता है अरत्तु। और वहाँ पे हाथी के ऊपर सवार करके भगवान की उत्सव मूर्ति ले जाई जाती है। यहाँ आप देखेंगे केरल में उत्सवों के ऊपर बहुत जोर देते हैं, हाथी होते हैं। वैसे अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर में भी ऐसे हाथी होते थे पहले। गुरुवायूर में हम देखेंगे, जब गुरुवायूर जाएंगे वहाँ तो एक हाथीशाला है, जैसे गौशाला वहाँ हाथीशाला भी है, 65 हाथियाँ हैं वहाँ पर। यहाँ पर भी हाथियाँ हुआ करते थे अनंत पद्मनाभ स्वामी में, और उत्सवों में उनको इनका प्रयोग किया जाता था। परंतु राजा मार्तंड वर्मा, मतलब लगभग 200 साल पहले, 250 साल पहले की बात है, उनके समय एक बार ये हुआ कि वो हाथी जो है वो किसी कारणवश घबरा गया, उसने तहस नहस कर दिया। उसके बाद फिर ये हाथी का प्रयोग करना अनंत पद्मनाभ स्वामी के मंदिर के उत्सवों में बंद कर दिया। और अभी केवल वाहन आदि, पालकी वाहन प्रयोग करते हैं, अनेक प्रकार के वाहन हैं। उनमें से सबसे प्रिय वाहन भगवान के लिए माना जाता है गरुड़ वाहन। फिर वाहन के ऊपर ऐसे अनंत पद्मनाभ स्वामी को बिठाकर ले जाते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे हाथी का प्रयोग करते हैं। और फिर यहाँ पे कथकली और ऐसे इस तरह के नृत्य और संगीत के कार्यों का आयोजन भी किया जाता है। बड़ी संख्या में लोग आके रात भर इनको देखते हैं। और ये सारे जो नाट्य लीला होते हैं, नृत्य होते हैं, ये सब भगवान कृष्ण की लीलाओं पर आधारित होते हैं। देखिए कितनी अच्छी संस्कृति, जैसे हम बार बार बताते जाते हैं, उत्तर भारत में भी है अवश्य, परंतु दक्षिण भारत में जिस प्रकार से यहाँ नृत्य, संगीत, नाटक आदि की संस्कृति पाई जाती है, वो उत्तर भारत में इतनी अधिक नहीं पाई जाती। तो खैर, यहाँ एकादशी भी बहुत महत्वपूर्ण उत्सव है, क्योंकि ये तो वैष्णव मंदिर है, इसलिए एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। अब जहाँ तक जनार्दन मंदिर की बात है, ये प्रश्न पूछना उचित रहेगा कि भगवान का नाम जनार्दन क्यों है? आप में से कोई बता सकते हैं जनार्दन क्या है? भगवान जनार्दन, जनार्दन शब्द का अर्थ क्या है? हाँ, जनों का रक्षण करते हैं, बहुत अच्छा, जो जनों का रक्षण करते हैं, ठीक है। परंतु अर्दन, इसके कई अर्थ होते हैं। एक अर्थ ये है कि विनाश करना, फिर विनाश करके कैसे रक्षा करते हैं लोगों का? हाँ, जो भक्तों को कष्ट देते हैं उनका विनाश करना। श्रील प्रभुपाद जी ने अपने भगवत गीता के तात्पर्य में ये बताया है कि जनार्दन शब्द का अर्थ है जो अपने शत्रुओं को या दुष्ट
लोगों का दमन करते हैं, उनको दंड देते हैं, साथ साथ जो व्यक्ति हरेक जो भगवान हरेक की इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं वो भगवान है। तो हरेक व्यक्ति के वो रक्षक भी हैं और सबके निवास स्थान भी हैं। सारे प्राणी भगवान जनार्दन में ही निवास करते हैं और जो दुष्ट लोग हैं उनको भगवान कष्ट देते हैं, उनको दंड देते हैं। तो हर प्रकार के नकारात्मक भाव से श्रद्धालु लोगों को रक्षा प्रदान करते हैं। लेकिन और एक शब्द का ये अर्थ है अर्दन का, और वो है उपासना या आराधना या भजन सेवा। तो वो व्यक्ति जिनकी उपासना सारे मनुष्य करते हैं वो जनार्दन है। तो श्रील प्रभुपाद जी पत्रम पुष्पम फलम तोयम भगवद्गीता के इस श्लोक के संबंध में दो बार कहते हैं, एक प्रवचन में और एक किसी पत्र में अपने शिष्य को। वो कहते हैं कि जो नास्तिक लोग हैं वो तो समझते नहीं हैं कि भक्त लोग अर्चा विग्रह के साथ क्या कर रहे हैं। नास्तिकों को लगता है कि ये तो केवल एक प्रतिमा है, इसमें कोई प्राण नहीं है, ये केवल पत्थर है, परंतु ये गलत है। वो नहीं जानते कि ये साक्षात भगवान है। और यद्यपि भक्त इतना प्रवीण या निपुण या इतना योग्य न भी हो, परंतु यदि भक्त के हृदय में बहुत एक श्रद्धा है, निष्ठा है भगवान के प्रति, सेवा भाव बहुत मधुर है, तो भगवान उन त्रुटियों को त्रुटियों की लापरवाही करते हुए देखते नहीं हैं। केवल ये देखते हैं कि इस भक्त का भाव कितना अच्छा है। इसलिए दोनों बार प्रभुपाद जी भावग्राही जनार्दन शब्द कहते हैं। वो पूरा श्लोक नहीं कहते परंतु भावग्राही जनार्दन कहते हैं कि भगवान कृष्ण को जनार्दन कहते हैं क्योंकि वो सबके भाव को ग्रहण करते हैं, सेवा भाव। तो वो जिन जिनकी उपासना सारे लोग करते हैं परंतु यदि श्रद्धा से सेवा भाव से हमने किया तो भगवान हमारी त्रुटियां नहीं देखते हैं और फिर वो कृपा करते हैं और सेवा स्वीकार करते हैं। वैसे कई बार भक्त कहते हैं कि नहीं नहीं मैं ये सेवा करने के लिए योग्य नहीं हूँ, और इस तरह से सोचना भी अच्छा है। एक वैष्णव तो नम्र होता है और अब उसके अंदर अहंकार नहीं होता, तो उसको सोचना कि यहाँ पे मैं ये सेवा करने के लिए योग्य नहीं हूँ ठीक बात है, परंतु यदि हर वैष्णव ऐसे सोचेगा तो फिर सेवा कुछ हो ही नहीं पाएगी। फिर भगवान की सेवा नहीं, कोई कहेगा पुजारी होने के लिए मैं योग्य नहीं हूँ, हर एक व्यक्ति कहेगा मैं पुजारी सेवा करने के लिए योग्य नहीं हूँ, तो कौन करेगा फिर, किसी को तो करना है। ये पहली बात है। दूसरी बात है कि हाँ ये सही है कि विशेष करके कलयुग में रहने के कारण हम सब के अंदर विविध प्रकार के अयोग्यताएं हैं, परंतु यदि हमारा सेवा भाव सही रहा तो भगवान कृष्ण जो कि जनार्दन है वो अवश्य हमारी सेवा को स्वीकार करेंगे, और जो भी भूल चूक हो जाते हैं, त्रुटियां हो जाती हैं, फिर उनको लेंगे नहीं, उनको देखेंगे नहीं वो। और फिर वो भगवद्गीता का श्लोक कहते हैं कि देखो भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम एवं मे भक्त प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। भक्ति उपहृतम, जब भक्ति भाव से अर्पण किया जाता है तो मैं इसे अवश्य अश्नामी, मैं स्वीकार करता हूँ इसे। तो भावग्राही जनार्दन दोनों बार भगवान बोलते हैं। तो आप में से किसी को वो श्लोक पता है ये भावग्राही जनार्दन कहाँ से आता है? प्रभुपाद जी ने दो बार कहा भावग्राही जनार्दन। हाँ बहुत अच्छा। मूर्खो धीरो वदति, न मूर्खो वदति, मूर्खो वदति विष्णाय
धीरो वदति विष्णवे उभयोर तत् समं पुण्यम भावग्राही जनार्दन। तो क्या अर्थ है इसका? देखिए, संस्कृत व्याकरण के नियमों के अनुसार जब हम भगवान का गुणगान करते हैं तो हमें सही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे हम कहेंगे ओम विष्णवे नमः या ओम कृष्णाय नमः, तो कृष्ण के लिए कृष्णाय कहते हैं, विष्णु के लिए विष्णाय नहीं कहते, विष्णवे कहते हैं। परंतु यदि किसी को ये नियम नहीं पता है तो वो विष्णु के लिए भी विष्णाय कहेगा, विष्णवे कहने के बजाय। तो मूर्खो वदति विष्णाय, धीरो धीरपुर जो विद्वान है, धीरो वदति कहता है, क्या कहता है? विष्णवे। तो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो कहता है विष्णवे, विष्णवे नमः। परंतु आगे चल के ये श्लोक में क्या है, उभयोर तत् समं पुण्यम, दोनों ही में जो पुण्य है, जो लाभ है, जो सुकृति है, वो समान है। यदि दोनों की भक्ति भावना एक जैसी है तो भले कोई अनपढ़ है और भले कोई बहुत विद्वान है, दोनों की यदि भक्ति भावना एक जैसी है तो फिर भगवान उस गलती को नहीं देखते हैं। क्यों? भगवान है भावग्राही जनार्दन, भगवान व्याकरण ग्राही जनार्दन नहीं है, भगवान धन ग्राही जनार्दन नहीं है, भगवान बुद्धि ग्राही जनार्दन नहीं है, भगवान सौंदर्य ग्राही जनार्दन नहीं है। तो भगवान भावग्राही जनार्दन है, भगवान हमारे भाव को स्वीकार करते हैं और इसलिए श्री कृष्ण का नाम है जनार्दन। तो ऐसे जनार्दन भगवान का दर्शन हम अभी थोड़े दिन में जाके करेंगे, थोड़े समय के बाद। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो 5-10 मिनट के लिए हम थोड़ी छूट देते हैं, आपको उठना है, पानी पीना है, यहाँ वहाँ आप कर सकते हैं, फिर 5 मिनट में आपको आना है, ठीक है? रेस्ट कर लीजिए। हरे कृष्ण।